नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे इस साल के दूसरे ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण के बारे में। साथ ही जानेंगे ग्रहण के दिन पड़ने वाले दो मुख्य त्यौहार वट सावित्री व्रत और शनि जयंती पर क्या होगा ग्रहण का असर। साथ ही जानेंगे किन किन राशियों पर होगा इस ग्रहण का प्रभाव। सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। दोस्तों, ये जो वर्ष है 2021, ये खगोलीय नज़रिए से या फिर कहें एस्ट्रोनॉमिकल वे में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल चार ग्रहण लग रहे हैं। इसमें दो सूर्य और दो चंद्र ग्रहण शामिल हैं। इन ग्रहणों से भारत का वास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था, जो भारत में अधिकतर हिस्सों में दिखाई नहीं दिया था। अब 10 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। चूंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक समेत धार्मिक नियम भी लागू नहीं होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर ना होने और सूतक काल ना माने जाने की वजह से 10 जून के दिन पड़ने वाले इस सूर्य ग्रहण का दो त्योहारों पर, यानी जो वट सावित्री व्रत है और शनि जयंती जो 10 जून को ही पड़ रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं होगी। इसका मतलब इन दोनों त्योहारों को हम बिना किसी शक या शुभा के मना सकते हैं। हालांकि 15 दिनों के अंदर दो ग्रहणों का पड़ना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ सही नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसको अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ये राशियों पर भी अपना शुभ अशुभ प्रभाव डालता है। आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा। 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 पर शुरू होगा और शाम 6:41 पर खत्म होगा। ये ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया में आंशिक और उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में सबसे ज्यादा दिखेगा। ये एक वल्याकार सूर्य ग्रहण होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, लेकिन उसका आकार पृथ्वी से देखने पर इतना नजर नहीं आता कि वो सूर्य को पूरी तरह ढक सके। इस तरह के सूर्य ग्रहण को वलयाकार या फिर रिंग शेप्ड सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक एज यूजुअल मेरे साथ शेयर करते रहिए, साथ ही चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड बाय बाय।